दोस्तों आजकल यूपीआई का जमाना चल रहा है। भारत में छोटी से छोटी शॉपिंग के लिए आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपके पास कैश पैसों की जरूरत पड़ती थी, पर आजकल आप यूपीआई से सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत में आ गया है यूपीआई 2.0 वर्जन, जिससे भारत करेगा दुनिया पर राज और बनेगा विश्व गुरु। क्योंकि यूपीआई 2.0 के आने के बाद भारत के जैसी नेट बैंकिंग की सुविधा दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको हमारे माध्यम से हमेशा मिलती रहे। दोस्तों यूपीआई से आजकल हर काम आसान हो गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में आजकल यूपीआई से अच्छा ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता है। आपको बस एक क्लिक करना पड़ता है और आपके पैसे कुछ ही सेकंड में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। अमेरिका के डिजिटल स्विफ्ट ऐप, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट नेट बैंकिंग है, उससे भारत का यूपीआई 2.0 कई गुना बेहतर और एडवांस है। क्योंकि अमेरिका का डिजिटल स्विफ्ट ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों का कहना है कि इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कई बार ट्रांजैक्शन रुक जाती है और कई बार ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। अगर हो भी जाती है तो पेंडिंग प्रोसेस में चली जाती है, जिसको रिसीव करने के लिए लोगों को बैंक के चक्कर तक काटने की नौबत आ जाती है। जबकि भारतीय यूपीआई 2.0 में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत में पहली बार यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद से भारत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा है। भारत में लोगों ने जमकर यूपीआई का उपयोग किया और भारत में यूपीआई से रोजाना कई ट्रांजैक्शन होते हैं। साथ ही भारत में यूपीआई उपयोगकर्ता के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय हो गया है, जिससे आसानी से कहीं भी ट्रांजैक्शन की जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक भीम ऐप से लगभग 1,000 करोड़ से अधिक की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। यहाँ यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन है। दोस्तों साल 2018 में भारत में ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो भारत के लिए बेहद ही खास है। ये वर्जन पहले वाले वर्जन से भी काफी अलग और अच्छा होगा, जिसमें कई नई सुविधाओं का उपयोगकर्ता लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि इसमें क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा छोटे ट्रांजैक्शन के लिए लाइट वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको भारत के नए यूपीआई 2.0 की खासियत के बारे में बताते हैं। नंबर 1, वन टाइम मैंडेट सुविधा। वन टाइम मैंडेट का ये फीचर उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ये फीचर चेक की तरह काम करेगा, जैसे आपको किसी को 2-4 दिन या फिर 1 सप्ताह के बाद पेमेंट करनी है तो आप जिस तारीख को पेमेंट करना चाहते हैं उस दिन की तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं और अमाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सामने वाले शख्स को उसी दिन पैसे पहुंच जाएंगे जिस दिन का समय आपने सिलेक्ट किया था। ये फीचर उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही खास साबित होगा, क्योंकि बहुत से लोग पैसे देने का वादा तो कर देते हैं पर तारीख आने पर भूल जाते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको किसी भी चीज को भूलने नहीं देगा, इसमें आप पहले से ही सब कुछ तय कर सकते हैं। नंबर 2, अलर्ट मैसेज फीचर्स की मिलेगी सुविधा। इस नए यूपीआई 2.0 में अलर्ट मैसेज फीचर भी बहुत खास साबित होने वाला है, क्योंकि ये फीचर आपको धोखाधड़ी से बचाने में सहायक साबित होगा। आप जब भी किसी को कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इनबॉक्स में इनवॉइस मैसेज आएगा, जिसमें आप कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, जिसकी जानकारी होगी। ट्रांजैक्शन से पहले वॉइस मैसेज मिल जाता है, जिसको सुनने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा या कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप उसको रोक भी सकते हैं। नंबर 3, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन उपलब्ध होगा। इस नए यूपीआई 2.0 में ये फीचर्स भी उपयोगकर्ता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आप जैसे ही सामने वाले व्यक्ति के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला मर्चेंट वेरीफाई यूपीआई यूजर है या नहीं। अगर सामने वाला वेरीफाई यूपीआई यूजर नहीं है तो ऐसे में आप ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हम आपको बता दें कि यूपीआई 2.0 ने इस बार अपने नए अपडेटेड वर्जन में HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इत्यादि अनेक बैंकों से हाथ मिलाया है,
जबकि पहले वाला वर्जन थोड़ा पुराना होने के कारण साल 2018 में इसमें गिरावट आई थी, जिसके बाद से ही UPI 2.0 के नए वर्जन को लाने की बात चल रही थी। इसके अलावा भारत का UPI 2.0 बहुत ही सिक्योर है और बेस्ट भी है, जिसके कारण अब भारत का ये UPI 2.0 भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा, क्योंकि अब दूसरे देशों ने भी भारत के UPI 2.0 को अपने यहाँ एक्टिवेट करवाने की मांग भी की है, जिसमें रशिया भी शामिल है। इसलिए अब UPI 2.0 सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करेगा और भारत को विश्व गुरु बनने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो भारत के UPI 2.0 की। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? क्या कहना है आपको इस नए UPI के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।